चार साल बाद फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि है गणपति से पहले हो गई लहर, अपना पूरा पावर लगा रही उठने को, लाले माला होगी वो भी इसमें लाके फेंकेंगे। कितना बॉल मिला 10 दिखा। ये सीन आज से पहले मैं कभी देखा नहीं हूँ। इस जगह में काफी टाइम से आ रहा हूँ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं होटल वाले को भी पूछा जो कि बोले ये आई गेस ये 3-4 साल बाद फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आगे ये आप दिख रहे हो ये पूरा समंदर है, ठीक है। और उस समंदर के पास वो जो बड़ी बिल्डिंग उसके उस तरफ आप जाएंगे तो खाई है, जहाँ खाई बोले तो एक नाला टाइप है बहुत बड़ा जहाँ से पानी बह के नाले और गटर के आते है। तभी सीन ये हुआ है कि समंदर का पानी कम हुआ है इसलिए उसको इस तरफ आने का मौका मिला पानी को, और उस पानी में उस खाई का जो पूरा कचरा है टोटल देखो इस समंदर में आके मिक्स हो चुका है। और मिक्स भी इतना गंदा हुआ है ना कि मतलब आप उस कॉर्नर से लेके ये टर्न और उस तरफ में भी आप पूरा जाएंगे जहाँ पे पूरी बिल्डिंगें दिख रही ना आपको, सब जगह ये आ चुका है। मैं भी 2 जगह विजिट किया, मुझे वहाँ पे वही दिखा, मैं इधर भी आया मुझे यहाँ पे भी दिखा। और ये इतनी क्वांटिटी में है ना कि आदमी से तो होने वाला है ही नहीं साहब, इसको एक जेसीबी लगेगी जो कि पूरा क्लियर करेगा। बस एक चीज ठीक था कि ये चीज है गणपति से पहले हो गई, वरना अगर गणपति के दिन ये होता जिस दिन लोग गणपति डुबाने आते तो मुझे लगता नहीं वो डुबा पाते थे गणपति, क्योंकि इसको साफ करने में ही काफी टाइम चला जाएगा। बट जब मैं मॉर्निंग में आया था ना तो आपको जो सीलिंग दिख रहा, सीलिंग से थोड़े ही आगे ये सब कचरे दिख रहे थे। मॉर्निंग 8 बजे की बात है, अब 12 बजे तक देखो ट्रैवल करके पूरा ये यहाँ तक आ चुका है। और अभी समंदर का लहर है ना वो बढ़ते जा रहा है, और जितना समंदर का लहर बढ़ रहा है उतने ही वो फास्ट इस तरफ आ रहा है, उतने ये चीज ये आगे लेके जाएगा छोड़ देगा। मॉर्निंग में देखो कल हाई टाइड था, पूरा कचरा यहाँ पे आ चुका है, ये एक बार साफ हो चुका है 10 बजे के आसपास साफ हुआ है, लेकिन वापस हाई टाइड पे देखो पूरा कचरा रिटर्न आ गया यहाँ पे। ये क्या है आई डोंट नो, इसका नाम भी क्या है मुझे पता नहीं चल रहा। ये कुछ अलग तरह की चीज है, लाइक एक भाजी जैसा लग रहा है, बट ये कुछ है ही नहीं है, क्या है पता ही नहीं चल रहा मुझे इसका नाम। सबको पूछा तो सब इसका अलग अलग नाम बता रहे हैं मुझे, बट एक चीज है मैं इसका एक चीज हाथ में लेके भी आपको दिखाता हूँ वो कैसा दिख रहा है। वो क्या है ना वो एक उठा के मुझे देखना पड़ेगा वो क्या है, इसके लिए मैं ले लेता हूँ हाथ में। हाँ ये बहुत बड़ा है, गैस ये आ गया हाथ में, लेट सी दैट व्हाट इज दिस। हाँ फटा बट ये कुछ कापूस टाइप है एक जगह अंदर, ठीक है, इसका कुछ स्मेल नहीं है कुछ नहीं है, थोड़ा भी बास नहीं आ रहा है। देखिए आई डोंट नो क्या है, अगर आपको पता है ये क्या है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। ये टोटल कचरे के अंदर ना 2 टाइप के कचरे, एक जो नेचर का बना हुआ है, दूसरा जो हमारा है। नेचर का बना है उसको तो हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन जो अपना बनाया है उसको तो हम दोष दे सकते ना। इसमें आप देखिए हर तरह के दारू की बोतल, प्लास्टिक बोतल, थर्माकोल, इवन चटाई वगैरह क्या नहीं है जो आपको इसके अंदर नहीं मिल रहा है। मतलब समझ में नहीं आता है लोग कचरे को कचरे पेटी में फेंकते हैं कि लाके यहाँ पे फेंकते हो। वो ये तो अभी सिर्फ 30% या 20% ही गंदा, अभी गणपति आएगी फिर गणपति विसर्जन के टाइम पे जितने भी हार फूल नाले मालाएं होगी वो भी इसमें लाके फेंकेंगे। आप सोचो गंदगी और कितनी बढ़ने वाली है अभी, हालांकि अभी कुछ को कर नहीं सकते हम लोग, वो काफी टाइम से बोला जाता है उसको बाहर फेंको, लेकिन कुछ लोग है जो सुनने को तैयार नहीं रहते, वो लाते हैं और वो चीज उसको यहीं पे लाके फेंकेंगे और कचरा यहाँ पे डबल होने वाला है। अभी इतनी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे थर्माकोल पड़ा है ना जो कि डिस्पोज हो ही नहीं सकता, और थर्माकोल ऐसी चीज है जो कि कभी डिस्पोज होने वाली चीज है ही नहीं वो, और यहाँ पे सबसे ज्यादा थर्माकोल ही पड़ा है। चलो कांच की बाटलियां है, कचरा उठाने वाले आएंगे तो लोग कांच की बाटली उठा के बेच भी सकते हैं जिनको उनको कुछ एक अमाउंट मिल सकता है, पर थर्माकोल का क्या होगा, थर्माकोल कुछ ही नहीं कर सकते, थर्माकोल ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब उसको देखते हैं अभी कितने दिन में साफ होता है। अभी ये लास्ट टाइम आपको दिखाया था यहाँ पे कितनी गंदगी थी, बट देखो बीएमसी ने साफ किया, काफी कुछ बचा है, बट अभी यहाँ पे लड़के आके फुटबॉल खेल रहे हैं। आई गेस पीछे जो आप बिल्डिंग देंगे ना वहाँ के आसपास के सोसाइटी वाले, और काफी लोग हैं तो देखो आधे वहाँ बैठे हैं आधे खेल के जा चुके हैं, अभी आधे यहाँ पे खेलने के लिए आए। अभी
almost caught her. कितना बॉल मिला दोस्त? दिखा फटा एक भी नहीं है। सही है, झोले तुम लोग का तो तब इसके पास भी है। तेरे को कितना मिला? दो दो बॉल। अच्छा अच्छा, जमा कर क्रिकेट खेल लो, काम आएगा। देख लेना चैनल का नाम एवरीडे मुंबई है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो परसों आएगा।